हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ गाइस, आपका प्यार आपका सपोर्ट दिखाने के लिए चटपट टॉय टीवी को। यार हमारे चैनल पर कल ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो यार आपके प्यार के बिना और आपके सपोर्ट के बिना ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता यार। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू यार, थैंक यू दिल से सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू दिल से इतना प्यार दिखाने के लिए चटपट टॉय टीवी को। तो गाइस आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ एटीएम पिगी बैंक। गाइस मैंने अभी तक जितने भी एटीएम पिगी बैंक्स की अनबॉक्सिंग की है उन सब में से ये सबसे अलग है। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस, आपको ही समझ में आ जाएगा ये पिगी बैंक बहुत ही स्पेशल क्यों है। तो चलो दोस्तों, बॉक्स देख सकते हो इस तरह के बॉक्स में आ जाता है। इसका साइज भी आप देख सकते हो, मीडियम साइज का पिगी बैंक है। इसे मैंने खरीदा था अमेजोन से, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा अमेजोन, 17 फरवरी को मैंने इसे खरीदा था। इसका प्राइस है 1499 रुपीस। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप चाहे तो वहां से जाकर इस पिगी बैंक को भी खरीद सकते हो। तो चलो यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो बॉक्स में से निकाल लिया है मैंने हमारे पिगी बैंक को। ओ भाई देख सकते हो, काफी ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी का पिगी बैंक लगा मुझे तो ये। वाओ इसकी फिनिशिंग देख सकते हो गाइस, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है, बहुत ही जबरदस्त प्लास्टिक से बनाया गया है ये पिगी बैंक। देखने में ऐसा लगता है गाइस कोई पोस्ट ऑफिस का डिब्बा होता है ना, उस तरह के पोस्ट ऑफिस का डिब्बे के साइज में दिया गया है ये पिगी बैंक। यहाँ पे लिखा है सेफ बोलकर, यहाँ पर कुछ स्टिकर्स वगैरह भी चिपकाए गए हैं और ये है इसका नंबर पैड। यहाँ पे डालनी होती है हमें 3 बैटरीज, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर बैटरीज डाल के रखी हुई है गाइस। यहाँ पे है इसका फिंगरप्रिंट और यहाँ से हम इसके अंदर नोट्स डाल सकते हैं और यहाँ से कॉइन्स डाल सकते हैं। तो इसे मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है 0000। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस, और इसका पासवर्ड भी किस तरह से चेंज कर सकते हैं ये भी बताऊंगा मैं, और इस पिगी बैंक में क्या क्या सबसे खास फीचर्स है ये भी बताऊंगा। तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं। बैटरीज इसके अंदर ऑलरेडी डाली हुई है मैंने। इसका पासवर्ड है 1234। तो अभी बोल रहा है यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाने के लिए, लगा देते हैं। तो आवाज सुनी ना गाइस आपने, लॉक ओपन हो चुका है इसका, देख सकते हो इस तरह से ओपन करना होता है। ये जो डोर है ना गाइस, इसका इतना ज्यादा मोटा डोर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो इसका साइज बहुत भारी है ये जो डोर है इसका। यहाँ पे एक स्विच भी दिया गया है। ओवरऑल गाइस इसका जो डोर की क्वालिटी है बहुत ही तगड़ी है यार, बिना पासवर्ड के शायद ही कोई खोल पाए इसे। तो वापस से इसे बंद कर देता हूँ मैं। तो चलो गाइस अभी इसके अंदर नोट्स डाल के देखते हैं, उसके बाद कॉइन्स भी डाल के बताऊंगा और इसके सबसे खास फीचर्स के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर ले लिए गाइस मैंने 2000 के नोट्स और 500 रुपीस के नोट्स। तो इसके अंदर डाल के देखते हैं कितनी फास्ट तरीके से ये नोट्स को लेता है। 2000 की नोट डालते हैं पहले। अरे काफी ज्यादा फास्ट है यार ये, देख सकते हो। अभी 500 के नोट्स डालते हैं। तो भाई आप लोगों ने देख लिया ना ये पिगी बैंक कितनी फास्ट तरीके से नोट्स को ले रहा है अपने अंदर, वाह भाई गजब का यार।
और एक बार भी एक भी नोट स्ट्रक नहीं हुई है, आप लोगों ने देखा होगा काफी ज्यादा स्पीड है इस पिगी बैंक की। तो ओपन करके देखते हैं हमारे नोट्स किस तरह से हैं, अंदर फोल्ड हुए हैं कि नहीं। ओह भाई, देख सकते हो कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ से सारे के सारे नोट्स जमा हो रखे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे। तो वापस से इसे बंद कर देते हैं। तो अभी इसके अंदर कॉइन्स डालेंगे गाइस। अभी देखना गाइस, मैं आपको इसका सबसे खास फीचर बताता हूँ। दोस्तों अभी मैं डालता हूँ इसके अंदर कॉइन्स, यहाँ पे डालते हैं। देख सकते हो बहुत ही खटाखट तरीके से कॉइन्स जा रहे हैं इसके अंदर। 5 रुपीज का कॉइन्स तक जा सकता है बहुत ही आराम से इस तरह से। तो गाइस अभी देखते हैं हम इस पिगी बैंक का सबसे मेन फीचर। डोर ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख लिया ना आप लोगों ने, जैसे हम इसके अंदर पासवर्ड डालते हैं और फिंगरप्रिंट को टच करते हैं, इसका जो डोर है अपने आप ही ओपन हो जाता है। मैं आपको एक और बार बताता हूँ। देख लिया ना गाइस आप लोगों ने। तो चलो अभी मैं आपको इसका पासवर्ड भी चेंज करके बताता हूँ इसका पासवर्ड किस तरह से चेंज किया जाता है। इसका पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इसका डोर ओपन करना होता है। डोर ओपन कर लेते हैं इसका। डोर ओपन कर दिया मैंने। अभी देखना गाइस, डोर ओपन करके हम लोग सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेस करेंगे स्टार को। इसी तरह से प्रेस करके रखना है गाइस। तो अभी हमें जो पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड लगाएंगे। मैं यहाँ पे लगाऊंगा 3698 और फिर दबाऊंगा हैश। तो यहाँ पे बता रही है कि हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अभी बंद कर देते हैं इसे। तो अभी हमारा पुराना जो पासवर्ड है वो डाल के देखते हैं, देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। पुराना पासवर्ड था हमारा 0000। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे रेड कलर की एक लाइट ब्लिंक हो रही है जैसे हम 0000 डाल रहे हैं। ये बोल रही है कि रॉन्ग पासवर्ड है ये। देख सकते हो। तो अभी हमारा नया वाला पासवर्ड डाल के देखते हैं 3698। तो देख लिया ना गाइस, इस तरह से इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं हम। इस पिगी बैंक का सबसे खास फीचर लगा गाइस, इसका डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है। आप इस तरह से रखोगे तो गाइस बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। आप नीचे रखकर जैसे ही पासवर्ड डालकर फिंगरप्रिंट लगाते हो, ये जो डोर है अपने आप ही ओपन हो जाता है। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये जो डोर है बहुत ही ज्यादा भारी है, इस वजन के कारण ये जो डोर है अपने आप ही बाहर की तरफ ओपन हो जाता है। तो गाइस आपको ये पिगी बैंक खरीदना है तो बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहां से जाकर आप इस पिगी बैंक को खरीद भी सकते हो। तो गाइस आपको ये पिगी बैंक कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मुझे तो ये पिगी बैंक काफी जबरदस्त लगा और इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों कल मैंने ये वाली RC बाइक की वीडियो डाली थी, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देख लेना। बहुत ही कमाल की स्पीड है इस RC बाइक की। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है रतन मीना, सरहान, अंश शुक्ला, रीतम राणा, अर्पित, गुफरान शाह, मनोज कुमार, जल्पेश, संजीत साहा, सूर्या, दीपक कुमार, आयुष, संदीप रावत, सुफियान महराज। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। दोस्तों आप में से काफी ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि स्पिन बॉट का रिजल्ट कब अनाउंस होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पिन बॉट का रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा मंडे के दिन। तो मंडे के दिन वीडियो जरूर से देखना गाइस, आप जीत सकते हो स्पिन बॉट गेमिंग ट्रिगर्स और स्पिन बॉट गेमिंग स्लीव्स को। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बाय।